हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये और एक पेट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में सब कुछ हम कवर करेंगे, डॉग्स, एक्सोटिक पेट्स, बर्ड्स, सब अपन करने वाले। ये भी बताऊंगा कि अगर आप पेट ले रहे हो तो आपको कौन सा पेट लेना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पूरा प्राइस वाइज सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे आके डायरेक्ट पेट शॉप ओनर से बात कर सकते हो। और ये है मेरी पेट, मेरी जान, इसका नाम है वर्षा। ये एक फीमेल लैब्राडोर है, अभी ये 4 ईयर्स की है। अभी ऊपर सोई थी, अभी ये नीचे सोई है। ये मस्त खेलते रहते हैं पूरा दिन। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। चलो मिलते हैं सीधा वीडियो पे। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं बर्ड सेक्शन से। तो ये है फिंचेस, इसको गॉल्डियन फिंच बोलते हैं। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है, ये नेटिव ऑस्ट्रेलिया का है। अगर आप पहली बार बर्ड ले रहे हो, पहली बार बर्ड पाल रहे हो, तो फिंचेस आपके लिए एकदम परफेक्ट बर्ड होगा। देन यहाँ पे कोकोटाइल, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बर्ड्स में आता है गाइस। मेरे पास, मैंने अभी रिसेंटली 2 कोकोडाइल भी लिए हैं। ये थोड़े छोटे हैं, ये अभी पूरी तरीके से अडल्ट नहीं हुए हैं। एंड ये बेस्ट थिंग इज़ ये हैंड टेम्ड है, क्योंकि गाइस बर्ड्स को टेम करना इज़ नॉट ईजी, थोड़ा सा स्किल लगता है उसको। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ऑलरेडी टेम्ड कोकोडाइल भी ले सकते हो, ये अच्छे से ट्रेन किया गया है इसको। देन यहाँ पे शुगर ग्लाइडर, ये मेल शुगर ग्लाइडर है। अगेन शुगर ग्लाइडर भी ट्रेन करना इज़ नॉट ईजी गाइस, लेकिन ये आपको पहले से टेम्ड शुगर ग्लाइडर बेच रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स है। यहाँ पे लूटिनो एंड ब्लू इग्वानास, ये बेबीज है। ये है रेड इग्वाना के बेबीज, बहुत छोटे है गाइस, ये अभी अडल्ट नहीं है। क्योंकि बहुत लोग को बेबी इग्वानास चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हो, टेम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बेबीज़ को करना इजी होता है, और कैसा खुद से टेम करने का मज़ा अलग होता है यार। लेकिन अगर आपको टेम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये है सुलकाटा टॉर्टोइस। पहले आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी लीगल है, ये बिल्कुल इलीगल नहीं है। जो इंडियन स्पीशीज़ है वो रखना इलीगल है, जैसे कि इंडियन स्टार टॉर्टोइस हो गया। लेकिन रेड ईयर स्लाइडर, सुलकाटा टॉर्टोइस, ये सब 100% लीगल है। एंड अगर आपको थोड़ा सा मतलब लो एफर्ट, लो मेंटेनेंस वाला पेट चाहिए, तो टॉर्टोइस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यार मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप पेट ले रहे हो तो अच्छे से टाइम दो यार, क्योंकि वो पेट को आपके अलावा कोई नहीं होगा। तो आप अगर उनको अच्छा बॉन्डिंग बनाओगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे लैब्राडोर, ये थोड़ा सोया हुआ था। एंड लैब्राडोर के बारे में तो सब जानते हैं, ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक कॉकर स्पैनियल, ये 63 डेज़ का है गाइस, ये मेल कॉकर स्पैनियल है। बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत एक्टिव है, तो आप डॉग्स चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे सीरियन हैमस्टर, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये वीडियो में बोलूँगा कि अगर आप हैमस्टर ले रहे हो तो अच्छे से चेक करके लेना कि वो जेन्युइन है। क्योंकि बहुत सारे पेट शॉप ओनर्स कुछ भी चूहा बेच देते हैं हैमस्टर बोल के, लेकिन आपको तो पता होगा मैं सिर्फ जेन्युइन पेट्स ही प्रमोट करता हूँ। ये पेट शॉप बहुत जेन्युइन है, ये जेन्युइन हैमस्टर है 100%। तो आप अच्छे से चेक करके लेना। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप लो, फिर बाद में कुछ वो और निकले और आपके साथ कुछ चीट हो। इसलिए ये एकदम जेन्युइन पेट शॉप है, आपको यहाँ पे जेन्युइन हैमस्टर ही मिलेंगे। देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। एंड अगर आपके घर पे बच्चा अच्छा होगा तो बच्चों के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाएगा, तो बच्चों को भी थोड़ा अच्छा कंपनी मिल जाएगा, इसको भी अच्छा कंपनी मिल जाएगा। देन यहाँ पे टेम्ड इग्वाना, क्योंकि बहुत लोग को टेम करना इतना नहीं जमता, तो आपको टेम्ड वाला भी मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देख सकते हो बहुत ही क्यूट है अभी। देन मैं इनको बोला हूँ कि पूरा आगे पीछे करके सब दिखाने, क्योंकि अच्छे से चेक करके लेना ही सेफ है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, पैटर्न सब एकदम प्रॉपर है, कहाँ पे भी कट्स या कुछ स्किन विन पील नहीं हुआ है, एकदम प्रॉपर है। ये एक्टिव भी है ये इग्वाना। देन यहाँ पे अडल्ट इग्वाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था किस किस को अडल्ट पसंद है, तो जैसा इग्वाना का गाइस साइज बड़ा होता है वैसा उसका रेट भी बड़ा होते जाता है। अगर आपको अडल्ट चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अडल्ट इग्वाना भी मिल जाएगा। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इसको। देन यहाँ पे सन कॉर्नियल गाइस, ये थोड़ा एग्जॉटिक कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको बर्ड्स का एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे बर्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो सन कॉर्नियल एकदम परफेक्ट होगा। ये बहुत अच्छे से टेम भी होते हैं, आपके कंधे में बैठेंगे, हाथ पे बैठेंगे, बहुत प्यारे होते हैं। एंड आप देख तो सकते हो कलर्स इनके कितने ब्यूटीफुल है। तो अगर बर्ड्स सेक्शन में जाना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा सन कॉर्नियल एकदम परफेक्ट होगा।
बाकी गाइस आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। पेट्स तो हमने सब देखे, रेप्टाइल्स देखे, डॉग्स देखे, बर्ड्स देखे, लेकिन ये अभी एंड नहीं है। अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारा स्नेक्स का वीडियोस आएगा, टेरेंटुला का वीडियो आएगा, इगुआना के और टाइप वीडियोस आएंगे, बहुत सारे मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। तो यार सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, तुम लोगों को अपडेट मिलेगा। अभी बहुत फटाफट मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ।